My name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So guys, in today's video, we are going to discuss about कि आपके जो board exams हैं, वो online mode पे कराए जाएंगे या offline mode पे. So many people have question कि जो उनके exams हैं, जो board exams हैं mainly, कि वो offline होंगे या online. So आज हम यही बात करने वाले हैं कि जो आपके board exams हैं, वो online क्यों नहीं कराए जाएंगे and अगर offline कराए जाएंगे तो वो क्यों कराए जाएंगे, क्या reason है इन सब के पीछे. So we are going to discuss about it. So सबसे पहले तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब आपके board exams होते हैं, so आपके centers पढ़ते हैं, so उन centers पे आप exam देने जाते हैं. So अगर आप suppose 200 students हैं एक class से and आप एक center पे गए exam देने, so वहाँ पर 200 computers की availability होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो exam से वो conduct नहीं कराए जाएंगे. अगर आप ये सोच रहे हो कि घर बैठे जो आप online studies आपकी चल रही हैं, उसी तरह से आपके online exams भी हो जाएंगे, so boards में ऐसा नहीं होता है. तो आपको वहाँ पर इतने सारे computers की availability होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए इतने सारे कंप्यूटर्स अवेलेबल कराना गवर्नमेंट के लिए अभी पॉसिबल नहीं है. इसीलिए जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स हैं वो नहीं कराए जाएंगे. एंड सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट द विलेज एरियाज, सो विलेज एरियाज में भी इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, सो 67% जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. सो ऑनलाइन क्लासेस ही वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, सो उनके लिए बोर्ड एग्जाम्स ऑनलाइन देना तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. Now the question arises कि आपके जो board exams हैं वो offline क्यों कराए जाएंगे. Offline इसलिए कराए जाएंगे because इसका कोई और आपके पास option है ही नहीं. आपके पास online board exams कराने का option नहीं है because of the reasons that I already discussed. So आपके जो board exams हैं वो offline ही कराए जाएंगे. And बहुत लोग के questions थे कि board exams 2021 जो हैं वो होंगे या नहीं. So definitely होंगे. Like UP board जो है उन्होंने clearly ये mention कर दिया है कि जो आपके board exams हैं वो 1 या 1.5 month ही delay होगा. इससे ज़्यादा delay नहीं होने वाला है board exams में. So जो भी students ये सोच रहे हैं कि board exams नहीं होंगे, this year would be a 0 year, so ये गलत फहमी आप निकाल दीजिए because board exams definitely होने वाले हैं. And that's all for today's video. I hope आपको ये video useful लगा हो. आपकी कोई भी query हो आप comment section में mention कर सकते हैं. And thanks for watching.